युगांडाना पुलिसकर्मीए भारतीय नागरिक ने गोली मारी ने मौत ने घाट उतार्यो हतो। तेनो वीडियो सामे आव्यो छे। 46 रूपया लईने विवाद थता फायरिंग करीने भारतीय नागरिक ने मौत ने घाट उतारवामां आव्यो हतो। आफ्रिकाना देश युगांडानी राजधानी कंपालामां इवान वाववायन नामना पुलिस कोंस्टेबले चोरीनी AK-47 राइफलथी 39 वर्षीय भारतीय साहूकार उत्तम भंडारीनी गोळी मारीने हत्या करी हती। 21 लाख सीलिंग एटले के 46,000 रूपियाना कर्जने लईने कोंस्टेबले फायरिंग कर्युं हतुं। फायरिंग वखते इवान ड्यूटी पर न हतो। कंपाला मेट्रोपॉलिटन पोलीसे कह्युं छे के 30 वर्षना इवान वाववायनने 12 मे उत्तर भंडारी पर गोळीबार करवाना आरोपमां एरेस्ट करवामां आव्यो छे। कंपालाना अखबारना अहेवाल मुजब घटनास्थळना वीडियो फूटेज सामे आव्या छे अने तेमां वाववायरे भंडारी पर बेहद नजीकथी घणी गोळीओ फायर करी हती। भंडारी TFS नाणाकीय संस्था कंपनीना निर्देशक हता अने वाववायर तेमनो ग्राहक हतो। कोंस्टेबले जे नाणा उधार लीधा हता तेने लईने बंने वच्चे गलतफहमी हती। ज्यारे वाववायरने 12 मे पोताना कर्जना नाणा बाबते जणाववामां आव्युं तो तेणे कथितपणे भंडारी साथे झगड़ो शरू कर्यो हतो अने दावो कर्यो हतो के रकमने वधारीने कहेवामां आवी छे। कंपाला मेट्रोपॉलिटन पोलीसना प्रवक्ता मुजब भंडारीने गोळी मार्या बाद वाववायर पोतानी AK-47 त्यां ज मूकीने भागी गयो हतो। पोलीसे घटनास्थळेथी 13 गोळीओ जप्त करी छे। पोलीसे कह्युं छे के आरोपी पहेला मानसिक रोगथी पीड़ित हतो अने पोतानी बीमारीने कारणे 2 वखत होस्पिटलमां भर्ती थया बाद तेना पर 5 वर्ष सुधी हथियार राखवा पर प्रतिबंध लगावायो हतो। वायबनने हाल पूर्व युगांडाना बुसिया पोलीस स्टेशनमां राखवामां आव्यो छे। वाववायरे रूममां साथे रहेता पोताना सहकर्मीनी राइफल चोरी करी हती। युगांडाना राष्ट्रप्रमुख योवेरी मुसेवेनीए सुरक्षा दळो पासे जवाब मांग्यो छे के केवी रीते ऑफ ड्यूटी पोलीस कर्मीने हथियार मळी गयुं। ब्यूरो रिपोर्ट, GST।